गोवा सीट से भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर मोहर लगा दी है। संघ शुरू से ही किसी हिंदूवादी नेता को दिग्विजय सिंह के सामने लड़ाने के मूड में था। दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं, इसलिए भाजपा ने यहां से शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और हिंदू फायर ब्रांड उमा भारती के नाम पर दाव लगाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनने पर आखिरी में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से अपना उम्मीदवार बनाया। जिस दिन से दिग्विजय सिंह की घोषणा भोपाल में कांग्रेस की ओर से हुई थी, उसी दिन प्रज्ञा ठाकुर ने मंशा जाहिर की थी कि वह भोपाल से दिग्विजय सिंह के सामने चुनाव लड़ना चाहती हैं और वह उन्हें चुनाव आसानी से हरा भी देंगी। प्रज्ञा ठाकुर ने यहां तक कह दिया था कि भाजपा ने रणनीति के तहत टिकट में देरी की है, लेकिन संगठन भाजपा का बहुत मजबूत है, इसलिए भाजपा को जिताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कांग्रेस ने कहा, इस बार कांग्रेस का परचम लहराएगा भोपाल में। प्रज्ञा ठाकुर का भाजपा से टिकट होने के बाद कांग्रेसियों ने कहा, प्रज्ञा ठाकुर दिग्विजय सिंह के लिए कोई चुनौती नहीं है। राजा साहब ने 190 दिन तक माँ नर्मदा के तट पर परिक्रमा की थी और वे खुद एक हिंदूवादी नेता है, व्रत उपवास भी दिग्विजय सिंह करते हैं, वे किसी तरह का व्यसन नहीं करते। 11 का व्रत भी वे आराधना के रूप में करते हैं। जब दिग्विजय सिंह के सामने शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और उमा भारती जैसे बड़े नेताओं ने डरकर पीछे कदम उठाए हैं, तो प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल में पहचानता ही कौन है। कांग्रेस ने कहा, हमारी जीत आज से ही शुरू हो गई है।